दलित के बारे में न्यूज मिलता है और जो अभी तक की राजनीतिक पार्टियां या दल उसको एक अलग हिस्से से देखा जा रहा है, उसको एक समाज का वर्ग ही नहीं माना जाता पिछड़ा जनजाति या एसटी एसटी में, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो भी हमारे लिए, हमारे स्वराज के लिए, हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, कितना स्थान रखता है। तो हमारी नजरिया उनके प्रति अलग हो गई, उनके लिए मन में एक सच्ची श्रद्धा और विश्वास होगी, उनके लिए एक सम्मान होगा। बहुत बढ़िया, दलित प्रश्न को हम अलग से देखेंगे। देखिए दलित प्रश्न, कश्मीर, बाढ़, कितनी कितनी चीजों को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। नंबर 17 इधर, 17 उसके बाद 20 कहां है, 20, ठीक है आप तैयार रहिए इसके बाद जी। कौन से एक प्रश्न को आप अलग से देखेंगे अखबार में? सर ये विदेशी दौरे छाए रहे और घरेलू जितनी भी समस्याएं थी सबको विदेशी दौरों ने ढक लिया था। स्वराज का जो राजनीतिक प्रस्ताव आया या हम कल से जो भी सुन रहे हैं, हमें ये समझ आई कि आखिर इन विदेशी दौरों से हमारे देश का, गरीबों का और किसानों का क्या भला हुआ। और हमारे हमें जो ये उलझाया गया था, भ्रमित किया गया था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत अहम मेंबर बनने वाले हैं, एनएसजी में शामिल होने वाले हैं, तो ये हमारी समझ थोड़ा सा भिन्न हुई। और अब हम जब पढ़ेंगे तो उसका विश्लेषण करेंगे कि भाई ये बेमतलब दौरा था या कुछ हासिल हो रहा। बहुत बढ़िया, तो इनकी कलाई भी खुलती जा रही है सरकार के दावों की। देखिए कितने अलग अलग मुद्दों को हम ला रहे हैं और यही ऐसी चीज का फायदा है कि हमारी एक व्यापक दृष्टि बनती है सब पढ़ के जी। ये हमारे ग्रुप द्वारा सोचा गया है कि महिलाओं पर हो रहे आजकल जितने भी अत्याचार या दूसरे सांप्रदायिक जितने भी उनको तनाव सहने पड़ रहे हैं उसके बारे में हम जो समस्याएं देखते हैं प्राय पेपरों में पढ़ते हैं, तो वो ऐसी हमारे उसमें पार्टी द्वारा ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो ऐसे अत्याचार हो ही ना समाज में जिससे कि महिलाएं बड़े अपने आप को बहुत ही आज़ाद और समाज के वर्ग के बराबर समझने लगे, तो ऐसे कार्य हमारी पार्टी करने जा रही है। बहुत बढ़िया, महिलाओं का मुद्दा हमने उठाया। नंबर 23 उधर पीछे हैं और उसके बाद 26 कौन है? 26 आप तैयार रहिए जी। मैं दो नंबर सवाल का जवाब देना चाहूंगा। नहीं, तीन नंबर। अभी तीन नंबर का, अखबार को पढ़ते समय या किसी भी न्यूज को सुनते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा न्यूज स्पॉन्सर्ड न्यूज है। आज के डेट में मीडिया जो है वो पक्षपात वाली मीडिया हो गई है, हर मीडिया किसी ना किसी पक्ष के में है, तो हमको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए और अपने एक नजरिया से देखना चाहिए कि उस न्यूज में कितनी सच्चाई है। दूसरा, हम कितने संकीर्ण हो गए हैं। अगर हम कोई दलित का न्यूज देखते हैं, कोई अल्पसंख्यक का न्यूज देखते हैं, तो ये हमारी संकीर्णता है कि उसको दलित और अल्पसंख्यक से जोड़ के देखती है। हम उसको मानव से जोड़ के क्यों नहीं देखते हैं और इस बात के लिए हम क्यों नहीं बेचैन हो जाते हैं कि एक मानव के साथ अत्याचार हुआ है, उसमें एक एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत है कि वो दलित है या वो अल्पसंख्यक है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी अक्सर देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ रोज सुबह, तो मैं सोचता हूँ ये खबर जो फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी लगी है, एक्चुअली तो 6 नंबर पेज पे इतनी सी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का फलां का दौरा और ये वो, और वो खबर जो 8 नंबर पेज के ऊपर इतनी सी लगी है, अगर मैं संपादक होता तो मैं उसको फ्रंट पेज पे इतना बड़ा करके लगाता। पर हमें सोचने से तो कोई नहीं रोक सकता ना, अखबार छाप नहीं सकते हम नया, लेकिन अपने मन में तो हम बना सकते हैं दोबारा उस अखबार को। ये बहुत बड़ी बात कही आपने जी। किसानों के प्रति हमारे ग्रुप की क्या राय है इसलिए रखना चाहता हूँ। कभी अधिक बारिश होने से किसानों को नुकसान होता है, तो कभी सूखा से, तो सरकारें इसमें समझती हैं कि बारिश होने से किसानों की समस्या का हल हो गया है, ऐसा जमीनी हकीकत से अलग है। हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए और ये जब स्वराज अभियान ये पार्टी का रूप ले, एक वैकल्पिक राजनीति का रूप ले, तो हम किसानों को किस प्रकार समस्या उनकी सुने और सूखा हो या बाढ़ हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, हम इस पर किस तरीके से ध्यान दें, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया। और वो तो हम बिना पार्टी बनाए भी कर ही रहे हैं, है ना, बिल्कुल हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अब हम आखिरी और निर्णायक सवाल पे आते हैं कि ये राजनीतिक प्रस्ताव हमें किस दिशा में ले जाता है, हमें अब क्या करना चाहिए इसकी दृष्टि में। एक साथी ने बात शुरू कर दी थी, पर मैं चाहूंगा कि तीन नंबर पे कौन साथी हैं? तीन नंबर जी।
तो तीन नंबर से अब हम शुरू करेंगे, 3, 6, 9, 12, वो तैयार रहें। बस छोटा सा उत्तर, इस प्रस्ताव की रोशनी में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द एक्शन पॉइंट दैट एमर्जेस फ्रॉम दिस। जी सर, इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद मेरे मन में यह धारणा बनी है कि हमें जनता के बीच में जाकर सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए और एक आदर्श लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जनता के बीच में संवाद आदर्श लोकतंत्र के लिए आगे काम, बहुत और बढ़िया। किसी भी सामाजिक या सामुदायिक समस्या में जनता अगर घिरी हुई है तो उसे समाधान के लिए उससे सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर छह पे कौन साथी हैं? आगे नंबर 9 तैयार रहे। इस प्रस्ताव से क्या एमर्ज करता है हमारी? जब केवल इस राजनीतिक प्रस्ताव की बात करूं तो मुझे ज्यादा भिन्नता इसलिए नहीं लगी क्योंकि 90% इसमें प्रश्न में भिन्नता का नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपको दोबारा बता दूं। नहीं सर, प्रश्न केवल ये है, नहीं प्रस्तावना नहीं दीजिए, ये हमारी गलत आदत रहती है, गला साफ करने में बहुत समय लगा देते हैं। एक प्रश्न है, इस प्रस्ताव से क्या एक्शन पॉइंट एमर्ज करता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आपके विचार से क्या करना चाहिए? बस मैं उसी बिंदु पे आऊंगा सर, एक सेकंड में, एक मिनट का समय आप मुझे दीजिए। 90% आप जो मर्जी कह ली, 90% राजनीतिक पार्टी बीजेपी की इसमें आलोचना की गई, बीजेपी कांग्रेस की करती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी सपा की। हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में भी बीजेपी की आलोचना है, 10% में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब ये माना जाएगा कि बाकी की राजनीतिक पार्टियों से हमारी सहमति है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे अकाली हो। दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें जब बात होती है तो सिर्फ दलित और अल्पसंख्यक की होती है, दलित के अलावा जनजातियां भी हैं, पिछड़े वर्ग भी हैं, सवर्ण हैं, सबकी चुनौतियां हैं, उसके विषय में कोई संदर्भ नहीं है। अल्पसंख्यक की बात आती है तो सिर्फ मुसलमान से उसको देख लिया जाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जबकि पारसी की भी समस्याएं, सिखों की भी समस्याएं हैं, जैनियों की भी समस्या है, हमें सारी चीजों को समग्रता में देखना पड़ेगा। तीसरी बात है विकेंद्रीकरण की, जब बात विकेंद्रीकरण के करते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जहां जितनी भी ताली पीटी गई, जितनी भी शाबाशी दी गई, इसमें से किसी वॉलंटियर के लिए ये नहीं कहा गया कि वो चौराहे पे खड़े होकर आपकी इस विचारधारा को जब सब लोगों में संप्रेषित करता है, सबसे ज्यादा चुनौती वो झेलता है, तो स्वराज के संकल्प में, संवाद से संकल्प की यात्रा में कहीं ना कहीं उसको आवाज मिलनी चाहिए। एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे आम वॉलंटियर बात करें। ये मेरी अपनी ही चुनौतियां हैं, जब हम इनसे पार पाएंगे उसके बाद कुछ नया कह सकते। बहुत बढ़िया, आपको प्रस्ताव की कुछ एडिशन करने हैं, कुछ बातों से असहमति आपने बोला। अब मैं चाहूंगा कि बाद में बाकी वाले साथी मेरे प्रश्न का उत्तर भी दें। और मैं समझ रहा था कि ये जो हम कर रहे हैं, ये सत्र बिल्कुल वही कर रहा है जो आप कह रहे हैं, जिसमें हमारे साथी अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। केवल बहुत अच्छा, मैंने आपकी बात पूरी तरह से सुनी है। आप अब अपना समय पूरा करने के बाद फिर दूसरा भाषण दे रहे हैं, ऐसा ना करें, समय आपने दिया। मेरा सिर्फ ये कहना था, ये जो सामान्य तरीका होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पढ़ देता है, बाकी लोग समर्थन कर देते हैं, उसकी बजाय यहां सैकड़ों लोगों ने इसकी चर्चा में हिस्सा लिया और दर्जनों लोग इसके बारे में अपनी राय यहां पे रख रहे हैं। मैं तो सोच रहा था ये वही है जिसकी आप सिफारिश कर रहे हैं। जी, किस सवाल पे सर बात करना चाहेंगे? वही अंतिम सवाल, ये कि इससे क्या एक्शन पॉइंट निकलता है हमारे हिसाब से, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कि अगर ये राजनीतिक प्रस्ताव सही है तो हमें क्या करना चाहिए? स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, विकेंद्रीकरण से कह सकते हैं, फिलहाल राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विचार रखने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है एक नागरिक की भावना जगाना। आज समय है कि एक जो वोटर है, मतदाता हो, उसे ये बताया जाए कि स्वराज असल में क्या है और हम क्यों लेकर आ रहे हैं। तरह तरह की लगभग 1925 से स्वराज की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, तो उन परिभाषाओं को स्पष्ट करने की थोड़ी सी जरूरत है सर। एक तो सैद्धांतिक काम हो गया, परिभाषाओं को स्पष्ट करना, लोगों के एक समूह के रूप में स्वराज अभियान के लिए क्या प्रोग्राम ऑफ एक्शन होना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि स्वराज अभियान अपने विभिन्न जो विंग्स हैं, लाइक शिक्षा स्वराज हो गए या जय किसान जो विंग है, उसके थ्रू लोगों के बीच में जाके बताएं कि जो कार्य है
और नागरिक की तरह से लोग सोचना शुरू करें बजाय किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के। बहुत बढ़िया, तो अपना लोगों के बीच में जाके जन जागरण का काम करें, इन विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। जी नंबर 15 उधर आपके पास 12 जी 12 नंबर, हाँ पहले 12 फिर 15 उधर दीजिए ना 12। स्वराज अभियान जिसका मतलब है स्वराज हमारी आजादी और हमारा राज। हम एक साल से जो कुछ देखते चले आ रहे हैं स्वराज अभियान के द्वारा किए गए कार्यों में, जिसमें हमने किसान आंदोलन, अमन कमेटियां और जितने भी काम किए वो एक उन कामों को सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि अब अगला कदम हमारा राजनीतिक पार्टी होना चाहिए और हम राजनीति के जरिए ही इस चीज को जीत सकते हैं, और मैं इसका समर्थन करता हूँ।